लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
क्यों रे पानी मिलेगो को नहीं मिले अरे मिलेगो तो चल तू जा रे अरे काके जल्दी आ जा तू आगे चल अरे माँ को नंबर छे ना ना मारो ना ना करो मटको फूट जाओ चल एक करके सबको नंबर आवेगो अरे आगे चल 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 जल्दी चल अरे लाइन में आओ अरे आओ रामकरण जी लो संभालो अपने अकाली ने 36 बार समझायो अकाली ना है ये खबरदार जो इसे कभी अकाली बोले तो काहे ना बोले काहे ना बोले साहब जाने जब से ये अकाली पैदा हुआ है थारे और थारे ढाणी के आसपास के सारे कुएं और बावड़ी सूख गए क्यों लोगो सच बोलो और आज ये छोरो मारा कुआ को भी सुखाने आयो थो पूछ काहे रे दादा मने ही कछुआ मिलो मारे विज्ञान के मास्टर कहवे कि कछुआ पानी को गहरा करे तो मने सोची कि ये कछुए को पानी में डाल दूं ताकि कछुए की भी जान बचे और पानी भी गहरा होए वाह भाई वाह लो सुन लो यो अकाली जे के छुने से पानी भाप बन जावे है वो पानी बढ़ावेगो बावड़ी का सूखना कोई नई बात ना है लेकिन जो मारे पोते ने बात की है ना समझदारी की वो थारी मोटी अकल में ना घुसेगी ये तो सच है सारी अकल दान धर्म पुण्य ये सब तो दद्दा थारे खानदान के पास है ना जब तक थारी बावड़ी में पानी थो तू इनके लिए देव पुरुष थो बावड़ी सूखते ही इनका देव भी बदल गयो तभी तो देख सबके सबके से भिखारी की तरह एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं पैसो दे के भी भिखारी बने असली भिखारी तू है धरती माता से मुफ्त के पानी निकाल रहा है और धरती माँ के औलाद को बेच रहा है भिखारी तू है मैं भिखारी हूँ हाँ तो ले जा थरक ढाणी वालों को अच्छे से नहीं देना मन ने कोई पानी वाणी अरे हटाओ रे ना बेटा ना यहाँ मत अरे करो हटाओ। ना बेटा ना सोच लो ऐसा अनर्थ मत करो रामकरण जी के तू समझदार हो याद करो आप दोनों के पुरखों की लड़ाई में पूरा गांव 20 दिन तक पैसा मरा था 20 दिन तक अब मत लड़ो मत लड़ो रामकरण सब प्यासे मर जाएंगे रामकरण सब प्यासे मर जाएंगे जे बड़े लोग सही कह रहे हैं दादा जे गांव में पानी ना मिलेगो ते गांव पे जुल्म हो जाएगा दादा सब प्यासे मर जाएंगे कोई प्यासो ना मरेगो कोई प्यासो ना मरेगो मारे पुरखों ने मारे आंगन में सोने की सिल्लियां गाड़ रखी है वहां खोद के निकालूंगा उससे बड़ी सी बावड़ी बनाऊंगा जिसमें तुम और तुम भी मुफ्त में प्यास बुझाएंगे आसपास के सारे लोग जो प्यासे हैं मुफ्त में प्यास बुझाएंगे मैं सौगंध खाता हूं अरे हटाओ मैं सोने की सिल्ली निकालूंगा सोने की सिल्ली मुफ्त में पानी हार में गए शंभू तो फिर आज से दादा की जय है तो बोलो दादा की जय इंद्रपुरुष की जय ऐसा मारो पुरखा बोलिया कि मारे आंगन में सोने की सिल्ली गड़ी गांव में पानी आवेगो आवेगो अरे सुन लो गांव के लोग लुगाइयो अरे बरसो बाद ये अवसर आयो अकाल पड़े जो 8 बरस से अरे डूबा है किसान करस से और पानी हर ले गयो दसानन बंदी है घर उसके सावन सावन कब आए न जाने लेकिन पानी मुक्त कराने
में निकल पड़े हैं रामकरण जी अपना अपने हाथ लुटाने। तो बोलो रामकरण दत्ता की जय। अरे सोने के सिल्ली वाले की जय। पलक खोल दे पलक, चट खोपड़ी पट मसान, माँ भूतनी बाप शैतान। अनार का दाना, बंदर की चट्टी, उल्लू का अंडा, इमली है खट्टी, एक भैंस जो है हट्टी कट्टी, एक कुतिया जो है नाक से नट्टी, उसके ऊपर बैठा हुआ है काला नाग, फैलाए अपने पांच पांच फन, आदेश हो बाबा खोदना है धन, आदेश हो बाबा खोदना है धन। ए मसान की हड्डी, खेल कबड्डी, पता दे कहाँ है धन, पता दे कहाँ है धन। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लाओ गायत्री दो महाराज। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव, बरसों से मारा पुरखा इस धाणी की सेवा करता आया है, मरते भगत मारे दद्दा ने मारे से वचन लियो थो कि अपनी धाणी पर कोई संकट ना आने देना, अव्वल तो संकट आएगा ना, और जो आए गयो तो अपने आंगन की मिट्टी को खोद करके सोने की सिल्ली निकाल लेना, मारे जीते जी भगवान की कृपा से कभी कोई संकट ना आयो। लेकिन 8 सालों से धाणी और उसके आसपास के सारे बावड़ी तालाब सब सूख गए, अब कारण तो महादेव ही जाने, लेकिन जिसका ठीक रहा मारे पोते अशोक के माथे पर फूट रहे। इसलिए मैं हमारा परिवार अपने पुरखों के वचन को निभाते हुए आज सोने की सिल्ली निकालेगा और उस सिल्ली से घड़ी मोटी बावड़ी बनवाएगा और अपनी धाणी को पानी के अकाल से मुक्त कराएगा। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम पानी बेचवा वाला के धंधा पे लाग जाएगा भट्टो, क्योंकि अपना गांव में बावड़ी खुदवा कर रहे कोई रामकरण पट्टो। अरे खोदो रे खोदो, ये देखो खुदाई को काम जोर शोर से चल रही है, और ये कहीं चौधरी काका तो दो हाथ फूंक कर थक गए, और सुरजीत भाई दीवार के पीछे धार मारने में व्यस्त, और जिरोती काका की तो खुजली की चरम दीवार पार। अरे दादा धन निकल आयो, काई निकलो धन निकल गयो, धन निकलो। अरे इतने ऊपर तो मैं अपनी जूती ना गाड़ू, धन निकल गया, धन कौन गाड़ेगा काम चो। खोदो खोदो, सात हाथ खोद लो, सात हाथ। कौन गया अरे तो इसमें सोना ही
ये अकाली के छोड़े से कोयला बन गयो। तुन बोलियो, तुन बोलियो मारे छोरे को अकाली। खबरदार, अपने पाप का ठीकरा मारे पोते के सर पे ना फोड़ो। इस अकाल के हम सब भागी हैं, और ठीकरा मारे पोते के सर पे। मारे पुरखों ने इस धानी को धानी से गांव में बदलो, तब तो मारे परिवार में कोई अकाली ना थो। आज मारी बावड़ी सूख गई, तुम्हारा पोतो भी अकाली हो गया। जाओ जाओ जाओ, ना निकालने को है, जाओ। अरे, सोड़े की सिल्ली भी ना निकलेगी, जाओ। अरे रामकरण जी माफ कर दो, भूल हो गई छोरा से। रे मारे आंगन में मारे पोते को बकाली कह रही है। रामकरण जी पागल है, ऐसा अनर्थ मत करिए। गांव वालों ने बड़ी आस लगा रखी है थारे से। खड़े बावड़े गांव वाले से। मैं सरकारी नौकर होके भी गांव में पानी नहीं ला सक्यो, और ना ही पानी के दलालों को रोक सक्यो। पर आज आपने जो इन गांव वालों पर एहसान किया है वो बहुत बड़ा है। ऐसे देवता पुरुष के घर में अकाली कैसे पैदा हो सकता है? आज इन दोनों गांव वालों के सामने मैं अपनी बेटी की सगाई आपके पोते अशोक के साथ करना चाहता हूं, अगर आप मंजूरी दे तो। अरे ये तो उसे अकाली कहते हैं। देखो आ बेटा इधर, मारे अशोक की बहू। क्या बोलती हो? हाँ, घर आई लक्ष्मी को कौन मना कर रहे हैं? हमने गुस्सा थूक दिया, आपकी तो मर्जी है ना। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। चलो अब लक्ष्मी खुद आना चाह रही है घर, तो हम क्या करेंगे? ये ले 100 रुपए, अपनी बहू को दे देना और बड़ों के पैर छू लेना। जा, जा। अरे उधर गलत कर दिया इनके। अरे बेटा, अरे माता जी के छू ले। सज्जन सिंह जी, बिहारी तैयारी कीजिए, पानी आते ही लेने आएंगे हमारी बिंदड़ी को। अरे रामकरण जी भागीरथ है, गंगा गांव में लाएंगे, पानी आते ही सज्जन सिंह जी बेटी अशोक से ब्याहेंगे। तो बोलो सज्जन सिंह जी की। अरे बजा रे बजा। ओ दद्दा, काई भी हो? 7-8 बोलिया, 11 हाथ तो होएगा। कढ़ेदन? हाँ, कढ़ेदन दद्दा, हाँ बता कढ़ेदन। अरे कढ़ेदन दद्दा, बता दद्दा, धन निकला को, धन निकला को, इतना खोद लियो। अरे कटे हैं रामकरण जी, बोलो कटे गयो, धन कटे हैं, धन कटे गयो, बोल रामकरण बोल। अरे बताओ ढाणी वालों के। घनश्याम। अबे घनश्याम कौन? कौन कौन घनश्याम? घनश्याम कौन? घनश्याम घनश्याम रामकरण। अरे दादा, अजान बाबू थे,
घोटने से नीचे हाथ थे उनके, बाले नापी थी। हाँ अब नापी थी तो नापी थी, इनमें मारो का कसूर हो दो। अब आते थे तो आते थे, इनमें दद्दा कई करे। चलो खोदो रे। अरे खोदो रे भाई खोदो। अरे खोदो रे खोदो खोदो। चलो गाय लो खेल खोदो जाओ खोदो जाओ। हाथ खुदाई के बाद स्कोर हुए छे एक लोटो पांच थाली खरड़ घट्टी एक तलवार और चकमक पत्थर को यो ढेर। अरे दद्दा अपने साथ ही ले गए होंगे ऊपर। अरे नीचे होता तो 21 गांव के चौधरी ना बन जाते। दद्दा कटे गया, धन कटे गया। अरे बोल, अरे दद्दा बोल कटा गया धन। अरे चुप क्यों हो गया? अरे दद्दा बता का जाओ कटा गया धन। अरे कटे जा रहे हो दद्दा। अरे टिम्बर से एक टांग पे खड़े रहिए पूरे गांव के लिए, अब कहीं मुतने भी नहीं जाएगा कोई। अरे पूछ लियो तो कौन सो पाप कर दियो। अरे जाए तो जाए, चाहे चांद पे मुत के आए, अब करोड़पति आदमी है, धरती थोड़ी ना गीली करोगे। अरे देखो रे देखो रे दत्ता ने दौड़ लगाई रे। अरे पकड़ो रे दत्ता ने। तू रात भर तू चार चोर भटके है, ए जी रस्सी पे तू है लटको पीस और लटके है। ए ठोर ठोर तू रात भर तू चार चोर भटके है, ए जी रस्सी पे तू है लटको पीस और लटके है। थाली है भोजन क्यों झूठ भरोसे तू, आप चवन्नी बरते ना रुपया भी चाहे तू। ओ राम भरोसे किस्मत देरी राम भरोसे तू, अब राम भरोसे किस्मत देरी राम भरोसे तू। अकल बेचारी बाहर खड़ी है खोल दे कुंडी तू, अकल बेचारी बाहर खड़ी है खोल दे कुंडी तू। ओ राम भरोसे किस्मत देरी राम भरोसे तू, की नजर से कब तक बचेगा ठाकुर? ये दगाबाजी की सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी।
सॉरी माकी साले, यो कहीं बोली रही हो? अरे ये क्यों जूता मार रहे हो? और ये क्यों नहीं बोले? थारो बाप राजा हरिचंद्र हो तो यूं मुझ भागे ना भाग तो। नियत में खोट होना हरी, कभी आदमी लोट पोट करे है, ज्यादा चूतिया मत बना। इन बाप बेटा ने मिलकर पूरे गांव को चूतियों काटियों फेंचो। अरे घेर लो रे हरी को, साला जब तक रामकरण ना मिले छोड़ना मत। अरे अरे घेरो घेरो साले को, घेरो। अरे घेरो वहां से, घेरो घेरो घेरो। हरी हरी बोलो, हरी बोलो, हरी बोलो, काटे जाएगो। उसे ही क्यों तलवार पे तू सब बातें मनवाए, थक थक सांस चले जैसे हो तपती कोई रेत, मेरी जान पे बन आई उसमें क्या तेरा हेत, पानी सकल दुबी बैठा पर बुझ पाई ना प्यास, मुझको सूली पर लटका खुद दिख रहा है आस। ये मिटाने चले थे अकाल, अरे जिनके खुद के घर में हो पड़ोती वो के बजाएंगे तूती। अब खारे ढाणी वालों से दुगना पैसा लूंगा दत्ता पानी का। दुगना पैसा? चलो रे बहुत हो गया तमाशा, गरीब तो मर जाए, दुगना पैसा देना पड़ेगा। अच्छा नाचना चाहे तूने राम करण, आखी का सपना दिखाकर आधी भी छीन ली। अरे बावड़ी तो दूर, नसीब को पानी भी छीन लियो दद्दा। ए यार धनवंतो, यहाँ काली ने बचाने को भानो तो भाई की बात कर। क्यों? धन की बात तो बाबा ने भी की थी। मने तो बाबा ही ढोंगी लागे। धन धन तो यही था, यही था धन। अरे तो गयो कठे, कठे गयो, कठे गयो। बताओ बाप बेटा ने दोनों ने पहले ही निकाल लिया होगो। जबान समार बात कर जयेश्वर काका। बाबा जो धन गयो को वापस लाने को कोई उपाय? उपाय? उपाय है, जरूर है। अगर कोई आदमी भैरवी को खुश करेगा अमावस की रात में अपने आप को जमीन में गाड़ कर अहम धनाश्मी, अहम धनाश्मी, मैं ही धनु का जाप करेगा तो वो आदमी 3 दिन बाद वापस जिंदा लौट कर आएगा, फिर खोया हुआ धन कहीं भी हो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। जमीन में जार तो सीता मैया वापस नहीं आई बाबा, खोटी बात ना करो। क्यों? अब बाबू खोटा हो गया? गांव की भलाई में आने मत हरी। हाँ तो मैं मारे बाप को मरने नहीं दूंगा। कुआ खोदने की चूल तो थारे बाप पे ही मची थी ना। वैसे भी यो फैसलो तो पंचायत करेगी, और पंचायत को फैसलो यो है, या तो थारो बाप गड़ियों धन दे नहीं तो कुओ बनवाए, और जे दोनों काम ना कर सके तो तांत्रिक बाबा के हिसाब से थारा बाप ने गड़वा दे इस जमीन में। का भाई का ही बोलो, बोलो। अरे गड़वा दे गड्डा। अरे हमारा आंगन, हमारो धन, हम चाहे निकाले ने निकाले, हमारी मर्जी। और रही बात इस गांव में पानी लाने की, तो भले ही मारो खेत बेचनो पड़े, माने कर्जो लेनो पड़े, लेकिन मैं अपने बाप को वचन पूरा करूंगा, ये सोगन खाता हूँ मैं। तुम बड़ा कर्जो लेट चले। अरे मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी जायदाद छोड़ के गए बाप दादा जो गिरवी रखने चले हो, और तुम सब नाश मिटो जिके मरना हो ना गड़ो मर के। हमने कोई समाज सेवक को ठेको नहीं ले रखे हो, निकलो मारे रुक। अरे चलो चलो भाई चलो, अरे की और तो बोल रहा हूं सब को नहीं तो हो रही ना तो सुनो नहीं जा जा चलो चलो भाई चलो 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 भाई और कोई चाहे तो ले लो जा जा।
ए दत्ता, चल बाहर आ जा दत्ता, छोड़ दत्ता, दत्ता छोड़ दे, छोड़ 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 दत्ता, छोड़ 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 दे दत्ता, छोड़ छोड़ ही क्या, छोड़ 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 जिन को जैसा बनने के लिए बोलूंगा सब वैसा बनेंगे। ये बनेगी गंगा काकी। ठीक है। तू अशोक का दादा। नहीं नहीं, मैं अशोक का दादा नहीं बनूंगा, उसने सारे गांव वालों को बेवकूफ बनाया है। तो रामू काका। हाँ तू बनेगा अशोक का दादा। नहीं नहीं, मैं भी नहीं बनूंगा, चाहे मैं अशोक का बाबा बन जाऊंगा। चल तू हरी काका। रीना तू तो बनेगी अशोक का दादा। ठीक है। और तू? और मैं तांत्रिक बाबा। और मैं शंभू। ये सब मेरे गाँव वाले, समय तरफ आ जाओ ना, मैं सबको दुगने दाम में पानी बेचूंगा। इन दोनों बाप बेटों ने सारे गांव वालों को लूट लिया। ना तो सोने की सिल्लियां निकाली, ना पानी निकाला। इनने हमारे बच्चे को पानी भी छीन लिया। ये दोनों बाप बेटे चोर हैं, पानी चोर कहीं के। इन दोनों बाप बेटे को जेल में डाल दो। पानी चोर, पकड़ो इन्हें। पानी चोर, पानी चोर, पानी चोर, पानी चोर, पानी चोर, पानी चोर। अशोक, रीना, ये मैंने थारे लिए बनाया है। चौखा लाग रहा है ना रीना? हाँ, जब तू मारी भींदड़ी बनके मारे घर आएगी, तब मैं अपने दद्दा की सोने की सिलियों से थारे लिए गहने बनवाऊंगो और थारे को पहनाऊंगो। पर अशोक, पानी? केसरिया वालम आओ नी, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश जी, देश जी पधारो मारे। ओए रुक, काई कर रहे हो तू? कमीन रमूद ब्रुस में थूक की दाढ़ी बना रहे हो? अरे भाई साहब, ये तो हमारी शरीफात है। कितने घोर पानी के अकाल में पहले ब्रश पर थूक कर आपकी दाढ़ी पे लगा रहे। किसी दूसरे नाई के पास जाओगे ना तो पहले वो आपके मुंह पे थूकेगा और उसके बाद आपकी दाढ़ी बनाएगा, समझे? हट कमीन रमूद। ओ ओ भाई साहब, मारा पीसा। काय का पीसा? तू थूक के दाढ़ी बना रही हो? मारा पीसा। ए मेरे पीसे। अरे हरी भाई साहब, अरे हरी भाई, अरे रुको रुको, हरी भाई राम राम। अरे हरी भाई, एक लोटो पानी दे दो, अब तो थूक भी सूख गयो, दाढ़ी कहीं बढ़ाऊं? अरे चू, मैं भी आ रही चू। अरे हरी, अरे हरी, अरे रुक, अरे हरी, काय जुल्म करे हो हरी? तारी वजह से सारा गांव वाला प्यासा मर रहा है। हरी, शंभू ने पानी देने से मना कर दिया। अरे करे कुण और भरे कुण? अरे जब थारा बस ठीक होना थी तो क्यों डंडोरा पिटो? अरे हटो, सोने की सिल्लियां लुटान वाले आ रहे हैं। हम्मा घणी चौधरी। सिल्लियां तो क्या, इनके घर से बिल्लियां भी ना निकली। मोल खरीदने आया हूं थारो पानी, भीख में ना ले जाऊं। वो तो थारे को जिंदगी भर लेना है, बावड़ी तो तेरे बाप से बनेगी ना कदी। बाप पर मत जा शंभू, ऊंच नीच हो जावेगी। देखा भाई, रस्सी जल गई पर बल तो जो का त्यों है। वाह। अरे ओ कलवे, दे दो चौधरी को पानी।
संसद में बैठो चोर नींद सोवे हैं करती जनता जनार्दन रोवे हैं। इंद्रदेव संसद में बैठो चोर नींद सोवे हैं पानी पानी करती जनता अज्ञानी है अनबिन अज्ञानी सर पर तेरे नारेंगे जू अनबिन अज्ञानी सर पर तेरे नारेंगे जू राम भरोसे किस्मत तेरी राम भरोसे तू अब राम भरोसे किस्मत तेरी राम भरोसे तू अकल बेचारी बाहर खड़ी है खोल दे कुंडी तू अकल बेचारी बाहर खड़ी है खोल दे कुंडी तू राम भरोसे किस्मत तेरी राम भरोसे तू अब राम भरोसे किस्मत तेरी सत्यानाश हो शंभू को पूरा गांव तू तू कर रहे हम पर जिला मुश्किल कर रखे मारो अरे मन्ने तो जे डर लाग रहे है कि जे चांद डाल के मारे छोरे को अकाली घोषित करके गांव से बाहर ना निकलवा दे अरे बाल बुद्धि पे के असर पड़ेगा कभी सोचो है अरे मैं तो कह रही हूँ कि अब बीबी अशोक को मंजले के साथ ना टोक पहुंचा दो बड़े के घर कुछ पढ़ लिख जाएगा तो कुछ बन जाएगा माँ मन्ने नहीं जाने बापू दद्दू 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 भाग गयो अरे देखर चाल चौधरी दिन में तो दिखा को नहीं रात में के बाबा जी को दिखेगा अरे काका उल्लू की टट्टी आख्या में लगाए कर अमा उसकी रात में भी तीन कोस दूर को दिखेगा अरे चुप रहो बहन चोदो अब टट्टी लगावा बाकी रह गई मारी लगा ले दिन में तारा दिखेगा दिन में अरे वारे साड़ो अठे मारे बाप की जान सासत में पड़ी हुई है तुम सबको मजाक सूझ रही हो ये ननकू बैटरी लेके कट्ठे मर गयो अरे हरी भाई मैं अठे हूं अठे चल जाओ उन्नीरे से आवाज आ रही है हैं हां कटे सु उन्नीरे से ए चल 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 अहम धनास्मि अरे मारी कसम है बाहरा अरे ये कहीं अपशगुन कर रही हो है यह तंत्र मंत्र की क्रिया है खंडित हो गई तो थारो बाप मर जावेगा अरे वापस आ जा अरे।
नहीं निकालूंगा तो पक्को मर जावेगो। गलास में अरे जल्दी आ, किसी ने काटने की बात की तो यही काट के दबास में कर दूंगा। हम गलास में दबार। अरे काय कर रही, हम गलास में, 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 बाहर बाहर रहता गलास में, बाहर रहता गलास में, तत्ता नहीं तत्ता, हम गलास में, हम गलास में, बाहर जिम लो ना दादा, दादा आ करो, दादा आ करो। अरे खाई लेना दद्दा, ऐसे भूखो मरने से कहीं बावड़ी में पानी आ जाएगा कहीं है? आत्मा तो महरी का लप्रिय, या नमक रोटी को ठिकाना कोनी, वे खानदानी समाज सेवक बावड़ी खुदवाएंगे। देख दद्दा, लोगों को जो कहना है कहने दो, इनके कहने में अपनी जान गवाओगे कहीं? अरे गांव वाले जो हमारी जान लेने के पीछे पड़े उसका क्या? अभी भी कह रही हूँ, सामान बांध के शहर चलो, कम से कम दो टेम रोटी तो चैन से खाएंगे। ना ना ना, पुरखों की जमीन छोड़ के मले नहीं जाना कठे, नहीं जाना कठे तो पड़े रहो दोनों बाप बेटे, या सोने की सिल्ली की आस लगाए और इतनी गांव वालों की फिक्र है ना तो मन नहीं गार दे, टट्टा खत्म हो जाएगा। अरे मैं तो काली के बाहु ना, अरे मन नहीं गार दे, मर्यादा मेरे। माँ, क्या सच में गड़ने से सोने की सिल्लियाँ वापस आ जावेंगी? तारा बाप दादा तो यही सोचे हैं। पानी बाबा आई जाओ, ककड़ी भुट्टा गई जाओ, 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 नी बाबा आई जाओ। अब मैं थारी बीनड़ी कोनी अशोक, क्यों बापू कहे हैं थारे दादा गांव में कदी पानी ना ला पावे को, फिर मैं थारे घर ना आ सकूंगी। रीना, तू मन्ने अपना पति माने है ना, तो मैं जो कहूंगा करेगी? अंजू, तू बनेगी गंगा काकी। ठीक है। लालू, तू बनेगा? मैं जिरोती काका बनूंगा। ठीक है जिरोती काका। पप्पू, तू बनेगा बल्लू काका, और तू बनेगा हमारा बापू, और रीना तू बनेगी? मैं थारी दद्दा। ठीक है तुम्हारी दद्दा, और तू बनेगा शंभू, और ये सब तेरे गांव वाले। अब मैं तुम सबको बताऊंगा कल रात मेरे दद्दा के साथ क्या हुआ था। दद्दा, 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 वो खेत पे, दद्दा, वो अशोक, चलो, चलो, आयो। अरे वो खेत पे, अशोक, अशोक के लिए, अरे दद्दा, चलो, जल्दी चलो, दद्दा। Thank you.
तुम्हारे पुरखा की जमीन तू बेच रहा है और ये दोनों कौन है? अरे ये दोनों गद्दा बोरिंग मशीन वाले पानी खोदन खाती रहे। बाबा बोरिंग मशीन वाला पानी खोदन खाती रहे हैं, जमीन खोद के बताएगा पानी इकट्ठे और कितने अंदर से निकले। वो इधर आ रहे छोरा। राम ज्यादा नाश मिटा। और जमीन? जमीन बेची को ना दद्दा, कागज गिरवी रखे बैंक में, जो देख 2 लाख रुपया। दद्दा तूने गोवर्धन उठाया ना पानी लाने को, तो मारे को पूरा करना पड़ेगा। नी अब जो पानी निकाली रहा है तो एक बड़ा सा हौदा बनवा दे, है ना, सब खुश हो जाएंगे, हैं? इंसान भी पक्षी भी पशु। हौदा बना दे। अरे तुम दोनों का दिमाग क्या गांजा चढ़ने गए हो के? अरे छोरा उनके भविष्य के बारे में तो सोचो। अरे 2 लाख रुपया कर्जा कैसे चुकाओगे? तू देख जो दद्दा, गांव वाले फिर से थारी जय जयकार करेंगे। निकलोगे ना? हाँ निकलेगा निकलेगा। हाँ हाँ हाँ। चल ले। अरे सत्या नाश उनका। चल जाइए ऐसे। अरे खोज जाइए ने। चलो दर। माथा फूट। अब मारे दद्दा को कोई चोर नहीं कहेगा। बाबा की लाल किताब में लिखा है जो 3 दिन तक जमीन के अंदर गड़ेगा धन के साथ साथ वो भी बाहर आ जाएगा। फिर उस धन से मारे दद्दा एक बड़ी सी बावड़ी बनवाएंगे और तुम सबको मुफ्त में पानी देंगे। फिर उस शंभू के पास किसी को पानी लेने ना जानो पड़ेगा। चलो मिट्टी डाल वो शुरू करो। अरे रुको, ये तो गड़ रही है। मने नहीं खेलना है खेल। चलो रे चलो। भागो यहाँ से, कोई नहीं खेलेगा खेल। यहाँ निकलेगा पानी? रीना तू अपना हाथ दे, चल घर चला, मन ना खेल लो ये खेल। अशोक मैं 3 दिन में वापस आ जाऊंगी ना। अशोक अशोक फिर तेरे दादा बड़ी सी बावड़ी बनवा देंगे ना, जब पानी आ जाएगा हमारी शादी हो जाएगी। अशोक ना रीना तू जल्दी से बाहर आ, चल घर चलते हैं। अशोक मैंने गाड़ दे, अशोक अशोक मैंने गाड़ जावा दे। अहम दनास्मी अहम दनास्मी। ला मने हाथ दे। अहम दनास्मी अहम दनास्मी। रीना तू डरे मत, मैं थारो पति हूँ, मैं थारे को कुछ नहीं होने दूंगा। तू अठाई रुक, मैं जल्दी से फावड़ा लेके आता हूँ। तू डरना मत, मैं अभी आता हूँ। ओम धनास्मि। डर जा मत रीना, मैं आ रही हूँ। रुको 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 रुको, कौन सी तिजोरी का ताला तोड़ के जा रहे हो तुम लोग? दद्दा दद्दा वो अशोक ने रीना को गड्ढे में गाड़ दिया। अपना अशोक? हाँ उधर उधर। अपना अशोक ने? Thank you.
ये कटे भाग रही हो? एक भेरो कुंचाल जो हम तरास में हम तरास में हम तरास में हम तरास में हीना, घबरा मत, घबरा मत, मैं आ गया हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, तू भी कोशिश कर। मैं निकाल लूँ, निकाल लूँ, निकाल लूँ। कोशिश, कोशिश, कोशिश कर। पकड़ो, 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 अरे पकड़ लो ना चंडाल ने। अरे धन की लालच में अपनी बहू ने काटने चले हो तो चंडाल अरे पर वो तो छोटो बच्चों को खेल थोनी। अरे खेल तो छोरा टाबरी खेले रहे, हरी बुढ़ा डोगरा थोड़ी खेले रहे। कानो सुनी बात झूठी हो सके दद्दा, आख्या देखी नहीं। एक बार को झूठ मान भी ले शंभू की बात, पर सुरजीत भी देखे हुए तुम दादा पोता की करतूत। क्यों सुरजीत, बोले क्यों नहीं बताया? दादा ये बताई करतूत पंचायत में। बोल बोल। धन का चक्कर के माय अपनी बहू को गाड़ने चलो तो यो महापुरुष। और यो 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 अकाली अपने बाप दादा का नाम रोशन करने चला था। गजब खेल खेल रहे रामकरण तू है। मैं लोग थने देवपुर समझता और तू कहीं निकलियो पापी चंडाल निकलियो तू तो। रे पंचो कहीं कराई को बोलो। रे पंचायती जूता मारो सालों के। रे इनका परिवार ने गांव से बाहर निकाल दो। सज्जन काका सबसे पहले ही अकाली अशोक से थारी बेटी रीना की सगाई तोड़ दो। ओ जवान संभाल के, मारा छोरा अकाली कोनी। और सगाई कैसे तोड़ देंगे? देवी की सौगंध खा के सगाई की है समधी जी ने। तो सगाई पानी लाने की शर्त पे हुई थी। पानी ले आओ और ले जाओ अपनी बिंदनी ने। विनाश, विनाश हो जाएगा विनाश। इसे ऐसी सजा देने से नहीं चलेगा। देवी रुष्ट हुई है, देवी। इसने देवी को गाड़ने की कोशिश की है। अब तो देवी का मंदिर और उसके इस परम भक्त का कमरा भी बनेगा, तभी देवी प्रसन्न होगी। वाह 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 वाह, एक तो पैसे अकाल पड़ रहे हो, मंदिर बनवावे को पीसा करने से आवे को। बाबा रामकरण की बलि देने से काम नहीं चलेगा के? ओए सुना है बलि देने से देवी खुश हो गए? क्यों भाइयों? अरे बोलो क्यों भाइयों? नहीं नहीं, यहाँ क्या हो सके? दद्दा की बलि, जब दद्दा की बलि दे दी तो गांव में मंदिर किया बने को। यो फैसला तो पंचायत करे आप। तो अकाल पड़ जाओ। अरे पंचो सही बोल रहे हो, मंदिर कठे बने वो। ओ मां मंदिर क्या बने वो? मंदिर चुप क्यों हो? हाँ तो मंदिर भी यही बनाएगा। और पक्को? तो भाई हो गयो फैसलो, मंदिर भी रामकरण के पैसा से बनेगा। हाँ यो होयो सही फैसलो। ई गांव की भलाई की खातिर या पंचायत फैसलो करे है कि अशोक वल्द हरि नारायण को अकाली घोषित करे है और गांव से गांव निकालो देवे है। यो हुई ना पा। और चौधरी रामकरण वल्द रघुनाथ गांव देहलोत जाके ऊपर ये पंचायत 2 लाख रुपया को जुर्मानो करे है। ई 2 लाख रुपया से गांव को मंदिर भी बनेगो और बाबा को कब्रो भी बनेगो। और जे जमाना करावे तो इके पूरे परिवार ने गाँव से गाँव निकालो। और रही बात ये अकाली के ब्याह की, तो सज्जन सिंह थारी छोरी रीना को ब्याह इस अकाली से तभी हो सके है जब यो गांव में पानी लावे। बराबर है। हाँ बिल्कुल सही। क्यों पंचो हो गयो फैसलो? सज्जन जी का छोटो सो बच्चो है, उस पे इतना बड़ा जुल्म, ये कहाँ को न्याय है? है न्याय की बात मत कर, गांव में न्याय सबरे वास्ते बराबर। अरे शिव जी गणेश जी रो माथो काटने हाथी रो माथो बिठा दियो थो, न्याय थो ना? हाँ, हाँ, तो गांव में भी बच्चा और बूढ़ा सब बराबर, एक नियम कायदो। कहीं बोलो भाई। भाई मंदिर बना
और बाबा को कमरों भी बना। बेटा तू मत खा जे, देख मैं जानू हूँ तू बहुत छोटो है रे सजा के लिए। ठीक है सो सहे जाके ना भूल मत जाजे, मैं तेरी बात देखूंगी बेटा, भूल मत जाजे बेटा, भूल मत जाजे। अपने दद्दा का सपनों पूरा करना है अशोक, याद रख जो।
है।